Assalamualaikum, welcome to my YouTube channel. This is your Asham Rais. आज यहाँ पर आया हूँ मैं TNT Kettle Farm. मैं last time भी जब आया था रात को, तो यहाँ पर थोड़ी सी लाइटों का इशू था, इसलिए अभी दिन का टाइम मैंने पसंद करा है, तो अंदर लेके जाता हूँ. ये है TNT Kettle Farm का बिल्कुल एंट्रेंस, और रात के टाइम यहाँ पर बिल्कुल ना ओपनिंग हो जाती है. जब लास्ट टाइम आए थे तो यहाँ पर ओपनिंग हो गई थी, और यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे सारे एक के बाद एक जानवर को रात को, और यहाँ पर पूरी एक कैटवॉक हुई थी और जानवरों की जो है ना मार्केटिंग हुई थी. अभी मैं आप लोगों को सिर्फ जानवर दिखा रहा हूँ, और आगे आपसे मिलवाऊंगा लोगों से, तो आपको जानवरों के रेट और कौन सा जानवर किस नस्ल का है कहाँ का है ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे जाके बता दूँगा. तो सबसे पहले आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं. माशाल्लाह तीन जानवर हैं, और तीनों ही जो है ना यहाँ के सबसे बड़े जानवर हैं जो बिल्कुल इस फ्रंट में. आगे जाके और जानवर भी बड़े खूबसूरत हैं, बट ये वाले जानवर यहाँ से आगे जाएंगे उस तरफ जाएंगे. ये वाला पहला जानवर है, ये वाला माशाल्लाह सबसे ऊंचा जानवर है. उसके बाद ये ब्लैक है, सेल आउट है भाई. ये वाला जानवर नहीं है, सेल आउट में नहीं है. अच्छा, ये वाले जानवर सेल आउट में नहीं है. ये मैं वो मैं आके अभी ना पूरा बताता हूँ, अभी तुमसे लेते हैं. मैं अभी सिर्फ जानवर दिखा रहा हूँ. आगे आते हैं तो यहाँ पर माशाल्लाह ये वाले जानवर हैं, सारे के सारे चिपके हुए जानवर हैं, और खूबसूरती में ना एक से बढ़कर एक जानवर है. बाबा जी सुबह सुबह से काम करने में लगे, मतलब हाल देखो बाबा का क्या हो गया. चलो खैर है बाबा, पानी वानी की निकास निकाल रहे हैं. यहाँ पर एक ब्लैक कलर का जानवर भी था लास्ट टाइम जब हम आए थे, तो सीन ऐसा हो गया तो हम यहाँ से भागते हुए, वो हम आगे जाके एक्सप्लेन करते हैं आपको हुआ क्या था हमारे साथ. ये वाले और जानवर हैं माशाल्लाह, ये जानवर चेक करो, मतलब ये उनसे छोटे जानवर हैं बट ख़तरनाक किस्म के जानवर हैं. सही है, इनके सबके रेट और सारी चीज़ें आगे मैं मेंशन करूँगा, पर उससे पहले मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को जानवर दिखा दूँ. ये वाला भी बड़ा खूबसूरत जानवर है, मतलब कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो आप लोगों को हल्का नज़र आएगा. माशाल्लाह सारे जानवर ऊँचे. आगे आ जाए, ये वाले अब आएंगे थोड़े से और छोटे जानवर. सही है, ये वाले जानवर जो है ना, ये मेरे ख्याल से, बाकी जो आप लोगों को शायद पीछे नज़र आ रहे हैं, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, बाकी वो आपको ज़्यादा गाइड करेगा. ये जानवर शायद अगले साल के लिए है, बट लग रहा है ऐसे कि जैसे अभी रेडी है, या शायद वो वाले जानवर अगले साल के लिए हैं. तो बाकी ये वाले जानवर देखिए बचे हैं कुछ, आगे बचे हैं और ये कुछ बछड़े हैं. ये भी माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं, और उसको मैं देख रहा हूँ ये आने वाले टाइमों में ना, ये वो टाइगर वाली फील नहीं आती जो एक देख रहे होते हैं हम, ये वो वाली फील लग रही है. आगे जाके ज़रा सा इसका कलर डार्क हो जाएगा ना, तो ये माशाल्लाह वो वाली फील में आ जाएगी. खूबसूरत जानवर है. हाँ बेटा, हाँ क्या हुआ, हिला हुआ थोड़ा सा जानवर. अच्छा, ये वाले जानवर आप लोगों को दिखाऊँ, ये हाथ में नहीं आते, ये ब्रीडिंग है, मतलब बच्चे, ये आने वाले दो साल में इनकी तैयारी होती है. कोशिश करेंगे कि बच्चिया है, मचलने वाली. देखो खुली हुई है रस्सी, खुली हुई है, और माशाल्लाह जानवर ओके. और ये भी जो बच्चे हैं इनके भी मतलब रस्सियाँ खुली हुई हैं, और ये भी जानवर ओके. अच्छा, ये मैं लास्ट टाइम भी आया था ना, वो कह रहा था कि भाई किसी के हाथ में नहीं आते, भागते रहते हैं. इनकी अम्मा यहाँ पर ही आगे कहीं है, बच के निकल जाओ. ये वाली, अच्छा यहाँ पर सारी बच्चियाँ खड़ी हुई हैं, तो जब भी जो है ना सारे बछड़े निकल के इधर आते हैं. और लास्ट टाइम भी जो मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस बता रहा हूँ ना, गाय की रस्सी छुट गई थी, वो ब्लैक कलर की थी. मैं पूछता हूँ उससे जाके वो कौन सी गाय थी, बट जब वो भागते हुए इस रास्ते से आई ना पूरी यहाँ से, तो हम लोग जो है ना यहाँ पर आगे जो नज़र आ रहा है फलांग के, हम सब वहाँ पर साइड में चले गए थे. तो मतलब हमारा तो उस टाइम सच बताऊँ तो हमें लगा कि गए, तो क्योंकि रात और कुछ पता नहीं चल रहा था. तो कुछ गायें ऐसी हैं जिनकी रस्सियाँ खुली हुई हैं, वो बच्चे, और ये सारी बच्चियाँ नज़र आ रही हैं आप लोगों को. सही है, ये आने वाले सालों में ना इनसे मतलब जो भी जानवर आएगा तो वो आगे की तैयारी चल रही है. तो ये सारी बच्चियाँ हैं यहाँ पर, और ये रहा बच्चा माशाल्लाह गुलाबी नस्ल की बच्चिया. यार ये खूबसूरत है, रामिज इसको दिखा दे रहा, ये तो भाग रही है, ये आएगी नहीं हाथ में. ये वाली, ये जो जा रही है तीन, और ये थोड़ी सी बड़ी हो गई, पर ये सारे बच्चे हैं. नहीं भाई नहीं, कोई हाथ में नहीं आएंगे, माशाल्लाह से मचलने वाला जानवर है. अच्छा, तो आप लोगों को मैंने पूरा इनका एक कैटल फार्म दिखा दिया है. अब मैं आगे जाऊंगा, और अब जाने के बाद अब थोड़ी सी रेट वेट पूछते हैं उनसे कि क्या है क्या नहीं है. आ जा भाई, ये रहा हमारा कैमरामैन रामेश के साथ. जिस जानवर की मैं आपसे बात कर रहा था ना, जो मतलब भाग गया था रस्सी खुलवा के और उन बच्चियों के पास, वो ये वाला जानवर था, और हमारा फेवरेट जानवर था ये वाला, सबसे ब्लैक वाला. जो कलर भी एक तो था प्यारा है इसका, अंधेरे में उस टाइम ज़्यादा पता नहीं चला. कितने मांग रहे हैं इसके ब्लैक वाले के हम? ब्लैक वाले की 6 लाख. और यहाँ पर जो भी दूसरा खड़ा होता है उसको पानी पीने के लिए, उसकी है 11 लाख. 11 लाख, सही सही सही. अच्छा, आगे ये वाली जो पट्टी है, कौन से जानवर बिकने वाले नहीं है जो अगले साल के लिए तैयार हो रहे हैं? जानवर ऑलमोस्ट सब बिकने वाले हैं, आगे भी बिकने वाले हैं. सही है, जो के हैं कुछ उनमें मिक्स हुए हैं अभी. दानिश आना. अच्छा, ये वाला जो जानवर नज़र आ रहा था, ये वाला ब्राउन वाला, मैंने इसके बोला इसके रेट पूछ के बताते हैं अभी.
यहाँ पर तो जानवर सारे खड़े हुए, ये वाला इस जानवर की क्या है? इसके 5 लाख रुपए डिमांड है। 5 लाख है इसकी? दो दांत? दो दांत। अच्छा, और ये सामने ये तकरीबन दो दांत हैं इसमें कुछ है। सही, जिन्होंने भी चौथा मतलब दांत निकाला। कितना वजन होगा? ऑलमोस्ट 8 मंथ ऊपर है। गोश्त का ही होगा? गोश्त की बात। जानवर की तो ज़्यादा है, जानवर माशाल्लाह बहुत प्यारा जानवर है भाई। अच्छा आगे आ जाओ। हाँ आगे, वही मैं बोलने वाला था कि बच्चा दिखाओ नगीना जो तुम बता रहे हो। वो तो हाथ में नहीं आ रहे, वो तो हाथ में नहीं आ रहे बच्चे। ये 2023 या 2022 ये वाले, ये जो बच्चे हैं, मैं इनको जिस तरह आप लोगों को बता रहा था ना कि ये 2023-2022 के जानवर रेडी हो रहे हैं। और ज़्यादा बच्चे साहब, तो उधर से जाओ, हम इधर से जा रहे हैं। कितनी रस्सी पकड़ते हैं? एक ना एक तो आ ही जाएगी। नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। अच्छा ये भी बिकने वाली है? नहीं ये बिकने वाली, ये वाले कोई बिकने वाले नहीं। ये वाले जो ये सब जितने हैं ये सब बिकने वाले हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, ये वाली जो बता, ये वाली जो नज़र आ रही थी, ये मतलब दो दांत का है ये वाला? क्या मांग रहे हैं इसके? इसका हमने नाम रखा है टाइगर। टाइगर, मैं ये देखो मैं बता चुका हूँ ये वाला, अगर इसका थोड़ा सा है और ये गुलाबी नहीं है। हाँ इसकी नोज देखेंगे। सही 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 सही। हाँ माशाल्लाह है तो खूबसूरत। इसकी क्या डिमांड है? इसकी हम लोग मांग रहे हैं डिमांड 2 लाख। 2 लाख मांग रहे यार? अगर ये माशाल्लाह, ये मुझे लग रहा है अच्छा, मतलब ऐसे अगर ये एक साल और रहा ना तो ये तो मतलब डार्क कलर रह के पूरा गुलबो बन जाए, ये अपना कलर भी चेंज करेगा। अच्छा अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि हम तो मतलब वर्बली ना ऐसी रेट बता रहे हैं, बाकी आप लोगों को मैं आके लोकेशन भी बता दूंगा, इनका नंबर भी दे दूंगा, तो आप लोगों को कभी भी जानवर आके देखने ना, क्योंकि एक नहीं बहुत सारे हैं। और ये कुछ टाइम बाद कब तक जाओगे आप लोग मंडी? हम लोग इंशाल्लाह तकरीबन नेक्स्ट मंथ की 2nd तारीख को हम लोग पहुँच जाएंगे। मतलब 15 दिन बाद आप लोग चले जाओगे? सही, तो 15 दिन के अंदर आप लोगों को अगर यहीं पर ही आके विजिट करना है जानवर देखने, तो आप लोगों को मैं यहाँ की लोकेशन देता हूँ। सिंपल लोकेशन है, हम लोग भी पिछली बार जब आए थे बहुत घूम फिर कर आए थे, अब सिंपल लोकेशन है आप लोगों को देता हूँ, तो यहाँ पर आओ जानवर देखो। मेमन गोड एरिया है, मलीर कॉन्टिनेंटल से आएंगे, केपीएस स्कूल के बिल्कुल अपोजिट ये पड़ता है। सही है, अल जदीद रेसिडेंसी है इसकी गली में। सही 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 सही, मतलब मैं तो लोकेशन दे दूंगा, तो अब तो हमें समझ भी आ गया रास्ता। हाँ सिंपल है, तो आप यहाँ पर आके देखो जानवर एक से बढ़कर एक है माशाल्लाह, खूबसूरतों में बहुत अच्छा है। और बड़े जानवर चाहिए वो भी हैं, छोटे जानवर हैं वो भी हैं, और वही टाइगर नस्ल की है, यहाँ पे छतकबरा हो गया, ये सारे जानवर ना यहाँ पर हैं, तो अच्छा सीन है। आके यहाँ पर विजिट करो, जानवर देखो, अच्छा लगे तो लाजमी लेके जाओ, और हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि जानवर आप लोगों ने यहाँ से लिया है। चाचा सिक्स पैक कहाँ से बनवाए? कहाँ से बनवाए बता दो।